सिर्फ एक दिन पानी बरसा और देखिए गंगा जी का पूरी तरीके से स्वरूप और सूरत बदल चुकी है। तो हेलो गाइस, मैं हूं दीपक और फिर से वेलकम करता हूं आपका अपने चैनल पे। दोस्तों लगभग 7-8 दिन के बाद फिर से मैं लेके आया हूं वीडियो, क्योंकि आप लोगों को पता है जो गर्मी पड़ रही है ना, इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही थी कि सच में वीडियो बनाने का बिल्कुल मन नहीं करता है, कि बाहर निकलने तक का मन नहीं करता। पर कल रात एक चेंज आया मौसम में और उसके बाद ऐसा चेंज आया कि हरिद्वार में जो पीछे आप गंगा जी देख रहे हैं उसमें भी पूरी तरीके से बदलाव हो चुका है। कल रात बहुत तेज आंधी और बहुत तेज बारिश आई, जिसके बाद आज मौसम ठंडा सा है। तो मैंने कहा आपको हरिद्वार की ताजा अपडेट भी दे दूं, एक लेटेस्ट वीडियो दिखा दूं और गंगा जी के दर्शन करा दूं। तो 8 महीने तक जो गंगा जी का नीला पारदर्शी रूप देखने को मिलता था वो अचानक से अब बदल चुका है और गंगा जी अब हो चुकी है एकदम मटमैली। टाइम टाइम पे मैं हरिद्वार की अपडेट देता रहता था, हरिद्वार के दर्शन कराता रहता हूँ। देखिए पानी कितना ज्यादा है, और ज्यादा है ना केवल बल्कि मटमैला भी है। और ये वाला जो घाट आप देख सकते हैं परशुराम घाट है। तो जल्दी से हरिद्वार की अपडेट ले लेते हैं, हर जगह के दर्शन कराता हूँ। और आप लोग अगर हरिद्वार आने वाले हो तो हरिद्वार का जो ताजा हाल है, गंगा जी का जो ताजा स्वरूप है, वो भी आपके वो इस वीडियो के माध्यम से पता लग जाएगा। तो जी अभी आपको मैंने कराए थे ओम घाट के दर्शन, मतलब कनखल के। अब जल्दी से मैं आपको दिखा देता हूँ, जो हरिद्वार आ रहे होंगे उन्हें पता है कि भीड़ बहुत ज्यादा है। ये वाली जो रोड दिख रही है, ये वाली सड़क अपनी बद्रीनाथ मतलब हाईवे पे जाती है और ऋषिकेश वगैरह जाती है, तो इस पर आपको परमानेंट भीड़ मिलेगी देखने को। जो थोड़ी बहुत बारिश हुई है ना, इससे बहुत अच्छा सा हो गया है टेम्परेचर वगैरह ना, वरना तो रहा नहीं जा रहा था। आप लोगों के यहाँ तो गर्मियों का क्या क्या हाल है कमेंट में बताना भाई। तो वहां से निकल के यहाँ पे पहुंच गए हैं, हर की पौड़ी का सेंटर पॉइंट यहीं से हर की पौड़ी का जल जाता है। पीछे आप देख सकते हैं महादेव की मूर्ति। तो मतलब जो हरिद्वार का हार्ट है ना, वो ये वाला एरिया है, ये वाला ब्रिज खूबसूरत सा ब्रिज आपको मिलता है। आगे ये ऋषिकेश तरफ को जा रहा है, देहरादून ऋषिकेश तरफ को। और मैं जो खड़ा हूँ यहाँ, देखिए जल का लेवल भी देखिए कितना ज्यादा है, और कलर तो बिल्कुल बदल चुका है, बिल्कुल चेंज हो चुका है। वो रही सामने हर की पौड़ी, तो आपको दिख रहा है सामने घाट, वो है VIP घाट। बाकी लोग मैसेज में ये भी पूछ रहे थे कि केदारनाथ बद्रीनाथ में अब क्या हाल है, मौसम कैसा है। तो देखिए ये छुटपुट बारिश तो चलती रहती है, वैसी बारिश तो है नहीं। केदारनाथ में जो बर्फ का सिलसिला था, जो अभी तक देखते थे आप क्या भयंकर बर्फबारी हुई थी, वो भी खत्म हो चुका है। और वहाँ पे अब रहने वहने की व्यवस्था भी ठीक है, मतलब अच्छी यात्रा चल रही है। बद्रीनाथ में भी यात्रा अच्छी चल रही है, तो आराम से जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल घूमने वाला टाइम है, भीड़ बहुत ज़्यादा मिलने वाली है, मौसम को लेकर कोई दिक्कत होने नहीं वाली है। अब मैं जल्दी से आपको भीमगोड़ा बैराज पे लेके चलता हूँ और वहाँ के भी ताजा हाल दिखा देता हूँ। जो वहाँ पे दृश्य देखने को मिलता है ना, एकदम बहुत ही बड़ा ह्यूज नील धारा का जो स्वरूप देखने को मिलता है, तो भीमगोड़ा से हमें पता लग जाता है। तो वहाँ से अब देखिए भीमगोड़ा बैराज आ गया, जो भी आपको दिखा रहा था तो भी वहाँ पे थे। और जो यहाँ की वाइब्स आती है ना, भीमगोड़ा बैराज तो मतलब जान है हरिद्वार। और रात को लाइटिंग होती है तो बड़ा प्यारा लगता है। तो आप जब आओ, हर की पौड़ी सामने ही है, हर की पौड़ी की तरफ जब भी आप आओ तो भीमगोड़ा बैराज भी आओ। देखिए खाली आपको सड़क मिलेगी, तो अपना अच्छा क्वालिटी टाइम वगैरह आप स्पेंड कर सकते हो यहाँ पे। इतना खूबसूरत यहाँ से देखिए सीन देखने को मिलता है, ये आ रही है ना, इसके पीछे बड़ा वाला बैराज है, वहाँ से गंगा जी सीधी आती है आगे, वो हर की पौड़ी, तो वहाँ जलधारा चली जाती है। गंगा जल को मैं बताता हूँ कितना चेंज हो चुका है, जो अभी तक नीला मैंने बताया था ना, बिल्कुल मिट्टी वाला हो चुका है गंगा जल। यहाँ देखिए पूरे एक तरीके से पानी में बदलाव हो चुका है, और जल में जो रेत की मात्रा, मिट्टी की मात्रा, वो भी बहुत ज़्यादा आ गई। तो मस्त अभी आपको वहाँ से मैंने दिखाया, अब मैं आपको लेके आता हूँ ये ह्यूज भीमगोड़ा बैराज में। यहाँ चलते हैं अभी उस तरफ से, मतलब यहाँ पे अपनी गाड़ी नहीं जा सकते पर पैदल आ सकते हैं, वहाँ खड़े थे और अब यहाँ पे आ गए। और आपको मैं एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ, ये उत्तराखंड में है, हरिद्वार में है, पर ये इसका देख रेख ये अंडर आता है उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के। देखिए शाम के टाइम ना लोग जब टहलते वगैरह है तो बड़ा प्यारा सा लगता है यहाँ सब। अभी हम उस वाले घाट पे थे, वहाँ बैठे हुए थे वो वाले घाट पे, तो बहुत जने कह रहे थे कि भीमगोड़ा बैराज दिखा दो, बहुत टाइम से दिखाया नहीं, मैंने कहा दिखाई देता हूँ। और हवा आ रही है ठंडी, यहाँ देखो ज़रा। हरिद्वार का सबसे बड़ा बैराज वो तो ये रहा, और देखिए जल किस तरीके से आता है यहाँ, ये देखिए साक्षात कितना बड़ा, बिल्कुल मतलब समुद्र वाली फील देता है ये भीमगोड़ा। जो सामने दिख रहा है वो है राजा जी नेशनल पार्क का जंगल, चीला का जंगल, और पीछे गढ़वाल की पहाड़ियाँ। गंगा
गंगा जी का जो जल है वो अब बदल चुका है, क्योंकि अब बारिश होगी, बारिश होती रहेगी और ऊपर जो धूप की वजह से जो ग्लेशियर पिघलने की रफ्तार है वो भी अब बहुत ज़्यादा तेज हो जाएगी। तो उस वजह से ऐसा मटमैला और आपको ये मिट्टी वाला जल अब देखने को मिलेगा गंगा जी। और अभी आपको अपडेट देता हूँ, एक चंडी ब्रिज बन रहा है तो उसकी अपडेट भी दे देता हूँ लगे हाथ। जो नजीबाबाद तरफ से आते हों लोग और जानना चाहते हो तो ये आ गए हम चंडी ब्रिज की तरफ। चंडी ब्रिज इसलिए पड़ा है इसका नाम क्योंकि चंडी देवी मंदिर आपको सामने दिख रहा है पहाड़ी पर, उसके नाम से इसका ब्रिज का नाम बना है। यहाँ पे भी बहुत जाम लगता है और ये लगभग एक किलोमीटर से भी लंबा ये ब्रिज है तो जाम बहुत लगता है। तो यहाँ पे क्या है, इसके पैरेलल में ना एक और ब्रिज बनाया जा रहा है तो उसका अपडेट ले लेते हैं ताजा हाल। बहुत दिनों से नहीं लिया है तो आज देखते हैं कि कितना काम उसमें हो चुका है। तो जी पहुंच चुके हैं अब चंडी ब्रिज पे। ब्रिज तो ये आपको दिख रहा है, ये एक ही अभी सिंगल ब्रिज आपको मिलता है जो हरिद्वार नजीबाबाद के बीच में पड़ता है, इस बड़ी वाली नीलधारा गंगा जी के बीच में। जो चंडी ब्रिज है ना वो बिल्कुल पैरेलल में बनाया जाएगा इतना ही लंबा, तो इसका काम अभी आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे थोड़ा सा काम हमको दिखने लगा है, देखिए गार्डर वगैरह डल गए, पिलर के ऊपर डालने लगे हैं, ये देखिए एकदम पैडलर। तो अभी वाला तो ये रहा और ये नया वाला बन रहा है बिल्कुल बगल में, तो आधे ब्रिज तक आपको गार्डर का काम मिल रहा है। और थोड़ा सा अगर मैं आपको और दिखाऊं तो ये पिलर जिनकी हाइट बढ़ा दी गई है काफ़ी, इन पिलरों के ऊपर इनको रखा जाएगा, क्रेनें वगैरह खड़ी हुई है और लास्ट तक इसे लेके जाया जाएगा। 70% ब्रिज पर गार्डर का काम पूरा हो चुका है, अब 30% के ऊपर गार्डर और बिछाना है। तो जी 24 मई को दिन में घूम रहा हूँ, आपको हरिद्वार के दर्शन करा रहा हूँ, तो घूमते घूमते वापस आ चुके हैं अपने कनखल में। तो कनखल का भी ताजा हाल आपको जल्दी से दिखा देता हूँ। मैं गंगा का स्वरूप आपको दिख रहा होगा और भीड़ देखिए कितनी है, गर्मी जैसे ही बढ़ी है लोगों का आना देखिए कितने लोग आते हैं अपने कनखल। कनखल मतलब कनखल की तो मैं कितनी सारी वीडियो बनाता रहता हूँ और अगर जो मेरे रेगुलर व्यूअर होंगे वो देखते रहते होंगे। सामने की तरफ आपको दिख रहा है गोरा दक्ष का घाट, दक्ष मंदिर वाला घाट, और भीड़ देखिए कितनी ज्यादा है वहाँ पे, लगातार लोग भीड़ वगैरह आ रही है। तो दोस्तों यही था 24 मई को हरिद्वार का ताजा हाल, ताजा अपडेट मैंने आपको दिखाई, हरिद्वार के ताजा दर्शन कराए। तो उम्मीद है ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब और इंतजार करना नई वीडियो का, क्योंकि अब बहुत अच्छी अच्छी वीडियो, बहुत अच्छी अच्छी सीरीज इस चैनल पर आने वाली है। तो अपना प्यार बनाए रखना और इंस्टाग्राम पर अगर फॉलो नहीं किया है तो वहाँ भी फॉलो कर लो, दीपक चतुर्वेदी 110 आईडी है। कुछ पूछना हो, कुछ जानना हो, मैं जो ब्लॉग बनाता हूँ उससे रिलेटेड रील्स फोटो डालता रहता हूँ तो वो भी आप सब देख सकते हैं, तो वहाँ पे भी मुझसे जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम आईडी पे। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में, नए ब्लॉग में, नए एडवेंचर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, हर हर गंगे, जय उत्तराखंड, नमस्कार।